दिल्ली में इस वक्त हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब स्थिति में है और इस पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी लगातार AQI का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो दिल्ली सचिवालय के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाएं तो इस तरीके से जो वाटर स्प्रिंकलिंग ये मशीन है इनको यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है। तकरीबन 100 के करीबन की संख्या है, इसको बढ़ाकर जो है 300 तक की जाने की बात की जा रही है। फिलहाल ये देखिए जिन इलाकों में धुंध है, धूल है, वहाँ पर कैसे काम करेंगे मुझे ज़रा दिखाइए, कैसे इस तरीके से पानी है उसका छिड़काव जो है वो किया जा रहा है। और ना सिर्फ कम हाइट बल्कि सामने आप एक मशीन देखेंगे उस पर हाइट को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि 40 से 50 फीट की ऊंचाई तक भी पानी का छिड़काव किया जा सकता है। पूरी जो मशक्कत है उस चीज़ को लेकर है कि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण जो है वो दिल्ली में बढ़ रहा है। खासकर हम बात करें तो दिवाली से पहले जब बारिश हुई थी तब जरूर थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन बारिश के बाद जब पटाखे जलाए गए तो एक बार फिर से दिल्ली का जो वातावरण है वो दूषित हो गया है। और अब देखिए यहाँ पर दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो यहाँ पर इन जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं इनको यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से एंटी डस्ट और एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन जो है उसकी भी शुरुआत कर दी गई है जो कि 14 दिसंबर तक चलेगा। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री फिलहाल जो हैं यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर ये जो ट्रक्स हैं इनको यहाँ से रवाना जो हैं वो इन्होंने किया है। और यहाँ पर कोई कोशिश इस बात को लेकर है गया है कि जो प्रदूषण है उस पर काबू पाया जाए, इसके लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी डिस्ट्रिक्ट विजय के साथ जितेंद्र भाटी।